सुनो मेरी रक्षक बहनों, जंगल में एक साथ सिर वाली चुड़ैल आ गई है। वह लालची चुड़ैल इस नागमणि को हासिल करना चाहती है। तुम सबको मिलकर इस जादुई नागमणि की रक्षा करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, यह नागमणि उस चुड़ैल के हाथ नहीं लगनी चाहिए। एक जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहा करती थी। नागिन उस जंगल की महारानी थी। वह इच्छाधारी नागिन गर्भवती थी और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उस जंगल के कुछ जानवर इच्छाधारी नागिन के साथ रहकर हंसी खुशी अपना जीवन यापन करते थे। इच्छाधारी नागिन के पास एक जादुई नागमणि थी जिसकी वह बरसों से रक्षा कर रही थी। उस नागमणि के बारे में केवल नागिन को ही पता था। नागमणि किसी के हाथ ना लग जाए, इसके लिए नागिन उस जादुई मणि को सबसे अलग छिपा कर रखा करती थी। उस नागमणि से ही नागिन को शक्तियाँ मिलती थी जिससे वह अपने जंगल की रक्षा किया करती थी। अब जल्द ही वह दिन भी आ जाता है जब इच्छाधारी नागिन एक बेटी को जन्म देती है। नागिन अपनी बेटी के जन्म से बहुत ही खुश थी। वहीं दूसरी तरफ उस जंगल में एक सात सिर वाली भयानक चुड़ैल आ जाती है। वह सात सिर वाली चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी। वहां आकर वह सात सिर वाली चुड़ैल कहती है, लगता है यही वह जंगल है जहां मुझे वह जादुई नागमणि मिलेगी। मुझे कैसे भी करके उस नागमणि को हासिल करना है। एक बार मुझे वह नागमणि मिल जाए, उस मणि की शक्तियों से मेरी शक्तियाँ हजार गुना बढ़ जाएंगी। फिर मेरा सामना कोई नहीं कर सकेगा। मैं इस जंगल पर कब्जा कर लूंगी और यह जानवर मेरी गुलामी करेंगे। बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर वह सात सिर वाली चुड़ैल जंगल के जानवरों पर हमला कर देती है। जंगल के जानवर उस भयानक चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर अपने अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं। वह सात सिर वाली चुड़ैल एक भालू को कैद कर लेती है। भालू बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे अरे चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, चुड़ैल कहती है। अरे डरपोक भालू, अभी तो मैंने तुझे कुछ किया ही नहीं। मैं यहाँ उस जादुई नागमणि के लिए आई हूँ। जल्दी से मुझे उस नागमणि का पता बता, वरना मैं तुझे इसी समय मार दूंगी और तेरे इस पूरे जंगल को तबाह कर दूंगी। अरे चुड़ैल, तुम किस मणि के बारे में बात कर रही हो? मुझे उस मणि के बारे में कुछ भी नहीं पता। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, भालू की बात सुनकर चुड़ैल कहती है। ठीक है भालू, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तूने मुझसे झूठ कहा है तो मैं तुझे ढूंढ लूंगी और तुझे वही मार कर खा जाऊंगी। अब जा, भाग जा यहाँ से। भालू वहाँ से दुम दबा कर भाग जाता है। उधर जंगल के जानवर नागिन के पास पहुंचते हैं। जंगल के जानवर नागिन को पहले ही उस सात सिर वाले चुड़ैल के बारे में बता चुके थे। तभी भालू भागा भागा वहां पहुंचता है। भालू को देखकर नागिन कहती है, अरे भालू क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नागिन माता, मैं बड़ी मुश्किल से उस सात सिर वाली चुड़ैल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। नागिन माता, वह भयानक चुड़ैल किसी मणि के बारे में बात कर रही थी। वह लालची चुड़ैल उस मणि के लिए यहाँ आई है। उसका कहना है कि वह उस जादुई मणि को किसी भी हाल में हासिल करके रहेगी। भालू की बात सुनकर नागिन हैरान हो जाती है। वह मनी मन सोचने लगती है, हे भगवान, उस चुड़ैल को मणि के बारे में कैसे पता लगा? चाहे कुछ भी हो, उस चुड़ैल के हाथों वह मणि हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या हुआ नागिन माता, आप किस सोच में पड़ गईं? कुछ नहीं भालू, जानवरों तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उस चुड़ैल को यहाँ से भगा दूंगी। तब यह सुनकर जंगल के जानवर चैन की सांस लेते हैं। नागिन बिना टाइम गवाए उस जादुई मणि के पास पहुंचती है और अपनी शक्तियों से वहां अपनी एक जादुई सेना तैयार करती है। नागिन कहती है, सुनो मेरी रक्षक बहनों, जंगल में एक सात सिर वाली चुड़ैल आ गई है। वह लालची चुड़ैल इस नागमणि को हासिल करना चाहती है। तुम सबको मिलकर इस जादुई नागमणि की रक्षा करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, यह नागमणि उस चुड़ैल के हाथ नहीं लगनी चाहिए। रक्षक नागिन कहती है, ठीक है नागिन बहन, तुम चिंता मत करो, हम सब इस नागमणि की रक्षा करेंगी। तब ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन उस सात सिर वाले चुड़ैल को ढूंढने के लिए जंगल में निकलती है। वहीं दूसरी तरफ वह सात सिर वाली चुड़ैल मणि को ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुंचती है। गुफा में रखी उस जादुई नागमणि को देखकर चुड़ैल की आंखों में चमक आ जाती है। चुड़ैल बहुत खुश होती है। तभी रक्षक नागिन कहती है, चुड़ैल तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चली जा यहाँ से। अगर तूने एक और कदम नागमणि की तरफ बढ़ाया तो हम सब तेरी जान ले लेंगी। हा, अरे मूर्ख नागिन, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नागमणि लेने से रोक सकती हो?
तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। ऐसा कहकर वह सात सिर वाली चुड़ैल रक्षक नागिन पर हमला करती है। सभी रक्षक नागिन मिलकर अपनी पूरी शक्तियों के साथ चुड़ैल का सामना करती हैं। तभी एक रक्षक नागिन वहां से भागती है और इच्छाधारी नागिन के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। रक्षक नागिन की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन उसी समय नागमणी के पास पहुंचती है। इच्छाधारी नागिन देखती है कि सात सिर वाली चुड़ैल जादुई नागमणी को पाने के लिए रक्षक नागिनों को एक एक करके मार रही है। यह देखकर इच्छाधारी नागिन को बहुत गुस्सा आता है। तभी सात सिर वाली चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को देख लेती है। अरे दुष्ट लालची चुड़ैल, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तू इस पवित्र नागमणि को हासिल कर लेगी? अब तो तेरा अंत निश्चित है। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों से चुड़ैल पर हमला करती है। सात सिर वाली चुड़ैल आग में जलने लगती है। चुड़ैल कहती है, नागिन मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं जल रही हूँ, जल्दी से इस आग को बुझाओ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दो। नागिन चुड़ैल की बात नहीं सुनती, वह सात सिर वाली चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। एक बार जलपरी लोक में एक इच्छाधारी जलपरी रहा करती थी। उस जलपरी की पांच बेटियां थी। इच्छाधारी जलपरी अपनी पांचों बेटियों के साथ जलपरी लोक में रहकर उनका पालन पोषण कर रही थी। जलपरी लोक में इच्छाधारी जलपरी की एक बहन भी रहती थी। वह जलपरी बहुत घमंडी और लालची थी और अंदर ही अंदर इच्छाधारी जलपरी से जला करती थी, क्योंकि एक तो उसे कोई संतान नहीं थी और दूसरा वह जलपरी लोक की महारानी बनकर वहां राज करना चाहती थी। वहीं जलपरी लोक के बाहर पास में ही एक भूखी और लालची चुड़ैल भी रहा करती थी। वह चुड़ैल जलपरी की बेटियों को खाना चाहती थी, क्योंकि उसे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पानी थी, इसलिए वह हमेशा जलपरी की बेटियों को खाने के चक्कर में रहती थी। वहीं जब चुड़ैल को पता चलता है कि इच्छाधारी जलपरी की बहन उससे जलती है, तो चुड़ैल को एक आइडिया आता है। वह कहती है, मुझे कैसे भी करके इच्छाधारी जलपरी की पांचों बेटियों को खाना है और ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली होना है। जलपरी की बहन उससे नफरत करती है, मुझे इसका फायदा उठाना होगा। यह कहकर चुड़ैल उस लालची जलपरी के पास आती है और कहती है, सुनो जलपरी, मुझे पता है तुम जलपरी लोक की महारानी बनकर यहाँ राज करना चाहती हो। जलपरी लोक की महारानी बनने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, परंतु तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इच्छाधारी जलपरी की पांचों बेटियों को मुझे लाकर देना होगा। जब तुम मुझे जलपरी की पांचों बेटियां लाकर दे दोगी, तब मैं तुम्हें जलपरी लोक की महारानी बना दूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर लालची जलपरी कहती है, ठीक है चुड़ैल, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है, मैं तुम्हें इच्छाधारी जलपरी की पांचों बेटियां ला कर दूंगी। एक दिन इच्छाधारी जलपरी अपनी बहन से कहती है, बहन मुझे कुछ जरूरी काम से कुछ समय के लिए जलपरी लोक से बाहर जाना है। मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। मुझे यहाँ तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं। तुम मेरी बच्चियों की देखभाल करना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। इच्छाधारी जलपरी की बात सुनकर लालची जलपरी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह तो इसी मौके की ही तलाश में थी। यह कहकर इच्छाधारी जलपरी वहां से चली जाती है। तब लालची जलपरी जलपरी की बेटियों से कहती है, चलो मेरी बच्चियों, आज मैं तुम्हें जलपरी लोक की सैर करा कर लाती हूँ। यह कहकर वह लालची जलपरी जलपरी की पांचों बेटियों को लेकर चुड़ैल के पास आ जाती है और चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं इच्छाधारी जलपरी की पांचों बेटियों को तुम्हारे पास ले आई। जलपरी की पांचों बेटियों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। वह उस लालची जलपरी पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और उसे वहीं कैद कर लेती है। यह देखकर लालची जलपरी कहती है, धोखा चुड़ैल, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे जलपरी लोक की महारानी बनाओगी। जलपरी मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुझे जलपरी लोक की रानी बना दूँ। मैं बरसों से जलपरी लोक पर राज करने का सपना देख रही हूँ। जलपरी की पांचों बेटियों को खाकर मैं अमर हो जाऊंगी और फिर यह जलपरी लोक मेरा हो जाएगा। वहीं जब इच्छाधारी जलपरी जलपरी लोक वापस लौटती है, तो जलपरी लोक में अपनी बच्चियों को ना पाकर वह बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी वहां जलपरी के पास एक बाज आता है। बाज जलपरी से कहता है,
इच्छाधारी जलपरी, मुझे पता है तुम्हारी पांचों बेटियां कहाँ हैं। इच्छाधारी जलपरी, तुम्हारी बहन तुम्हारी पांचों बेटियों को लेकर चुड़ैल के पास गई है। तुम्हारी बहन ने चुड़ैल से एक वादा किया है कि अगर वह तुम्हारी बेटियों को चुड़ैल को देगी तो चुड़ैल बदले में उसे जलपरी लोग की महारानी बनाएगी। तुम्हारे यहाँ से जाते ही तुम्हारी बहन तुम्हारी सभी बच्चियों को लेकर चुड़ैल के पास गई है। इच्छाधारी जलपरी, देर मत कीजिए, वह चुड़ैल तुम्हारी बच्चियों को खाकर अमर होना चाहती है। अगर वह इसमें कामयाब हो गई तो उसे कोई नहीं मार सकता। बाज भाई, तुम मुझे इसी समय चुड़ैल के पास ले चलो। तब वह बाज इच्छाधारी जलपरी को लेकर चुड़ैल के पास आ जाता है। जलपरी देखती है कि उसकी बहन को चुड़ैल ने कैद कर रखा है और वह उसकी पांचों बेटियों को खाने वाली है। चुड़ैल जैसे ही उसकी बेटियों को खाने जाती है तभी इच्छाधारी जलपरी उस पर हमला करती है। जलपरी की मार से चुड़ैल बहुत डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाती है। जलपरी अपनी बहन को आजाद करा लेती है। तब उस जलपरी को अपने किए पर पछतावा होता है और वह अपनी बहन से क्षमा मांगती है। बहन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने लालच में आकर तुम्हें धोखा दिया, मुझे माफ कर दो, मैं आज से तुम्हारी बेटियों को अपनी बेटियों की तरह समझूंगी। इच्छाधारी जलपरी अपनी बहन को माफ कर देती है। फिर वह सभी जलपरी लोक में खुशी खुशी रहने लगती।